हेलो एवरीवन, चलिए बनाते हैं ऐसा यूनिक नाश्ता जिसमें आपको अपनी हॉस्टल लाइफ याद आने वाली है। तो यहाँ क्या किया मैंने, एक कटोरी पहले का फूला हुआ पोहा लिया और एक कटोरी एक रात का बचा हुआ चावल। पोहे में हल्दी, नमक, नींबू और थोड़ा सा शक्कर पहले से मिला हुआ था तो उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अगर कड़क हो तो थोड़ा सा पानी डाल के आप मिक्स कर लो। फिर कढ़ाई में ऑयल को गर्म करना, उसमें हींग, एक चम्मच जीरा, थोड़ी सी राई, मूंगफली, हरी मिर्च, प्याज और आलू। फिर आपको जो जो भी सब्जियां खानी है आप डाल सकते हैं। अब ऊपर से आप नमक डाल दीजिए और अच्छे से भून लीजिए। मसाले को हल्का सा ढक के रख दीजिए ताकि अच्छे से पक जाए, और थोड़ा सा फ्राई कर लेना अच्छे से सॉफ्टनेस आने के लिए। फिर थोड़ा सा टमाटर डाल देना, फ्रोज़न मटर डाल देना अगर हो तो, और अच्छे से भून लेना। गाजर हो तो गाजर डाल देना, कैबेज डाल देना। फिर हल्दी थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मसाले को भून के और हमारा पोहा और चावल अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना है, आधा, मैंने आधा छोटे साइज़ का नींबू लिया और अच्छे से भून लेना है। और थोड़ा सा फिर ढक के रख देना, हल्की सी स्टीम दे देना है ताकि अगर थोड़ा सा भी टाइट रहे ना वो सॉफ्ट हो जाए, और बढ़िया खिला खिला सॉफ्ट पोहा बनेगा, बहुत ही अच्छा। तो पोहा प्लस चावल, इसका नाम यही होगा। और बाकी आप नाम बताओ मुझे क्या रखें। ऊपर से हरा धनिया, प्याज, टमाटर, नींबू सब कुछ डाल के बढ़िया से खा लो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और बाकी एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत पसंद आएगा सच्ची में। और इंस्टाग्राम अकाउंट को मेरे फॉलो करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।